नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बैंक पर। जी साथियों, अगर आपने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती या एएसआई का अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप भी फिजिकल डेट को लेकर के परेशान होंगे कि आखिरकार हमारा फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और वो बदलाव मिल सकता है कि फिजिकल से पहले आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। क्या साथी, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के, बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखेगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बीएसएफ से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपका फिजिकल है या फिर आपकी एग्जाम है वो कहां पर कंडक्ट करवाई जाएगी आपके स्टेट में। सबसे पहले दोस्तों अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पहले भी किसी भर्ती प्रक्रिया में ऐसा बदलाव हुआ है कि पहले फिजिकल कंडक्ट करवाना था लेकिन फिजिकल की जगह पहले एग्जाम कंडक्ट करवा ली। तो दोस्तों, ऐसे बदलाव बहुत सारी भर्तियों में देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी डीएसएसबी में जेल वार्डन की वैकेंसी आई थी, उसमें पहले फिजिकल कंडक्ट करवाना था और पहले एग्जाम उन लोगों ने कंडक्ट करवा ली। तो दोस्तों, ऐसे बदलाव बहुत सारी भर्तियों में देखने को मिलते रहते हैं, और उम्मीद है कि आपके बीएसएफ एचसीएम की जो ये वैकेंसी है इसमें भी आपको ये बदलाव 100% देखने को मिलेगा। और उसका रीजन क्या है, भर्ती बोर्ड में आपकी ये बातें भी चल रही कि बदलाव हो सकता है, और उसका रीजन मेरे तो 100% ये रहने वाला है कि एसएससी जीडी का फिजिकल अभी तक जो पिछली वैकेंसी चल रही है उसका भी फिजिकल अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपका फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, या आपको भी पता है कि पहले एसएससी जीडी का फिजिकल होगा फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल होगा, तो दोस्तों काफी लंबा इंतजार हो जाता है। और काफी लंबा इंतजार से बचने के लिए ही ये जो आपकी सीएपीएफ की वैकेंसी निकाली गई है 1526 पोस्ट की, ये सभी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो सीआईएसएफ है, सबने एकजुट होकर के निकाली है कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अंदर अपन को ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है। दोस्तों, अगर एसएससी जीडी का ये लोग इंतजार करेंगे तो काफी लंबा इंतजार हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, एसएससी जीडी के बाद में नई एसएससी जीडी भी आ रही है, तो दोस्तों अगर इतना इंतजार ये लोग करेंगे तो टाइम के ऊपर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। और यही रीजन है कि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। जी हां साथियों, बीएसएफ का जो एग्जाम लेने वाली है वो टीसीएस कंपनी लेने वाली है, और टीसीएस अगर आपका एग्जाम लेगी तो दोस्तों 100% इस बार आपको कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और उसका रीजन आपका यही रहने वाला है कि इतना लंबा इंतजार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती में आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों केवल फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होने वाली है। जी साथियों, साथ के साथ में आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीधे एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, सीधे एडमिट कार्ड जारी होने वाले, और सीधा मेरे दोस्त एडमिट कार्ड आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ सकता है। तो दोस्तों, आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी साथ के साथ में रखिए, फिजिकल की तैयारी भी आपको साथ के साथ में रखनी है, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि दोस्तों आपकी एसएससी जीडी का फिजिकल है। दूसरी बात, बीएसएफ भी कंपटीशन से बचने के लिए, आपको भी पता है कि 7 से 8 लाख लोगों का फिजिकल कंडक्ट करवा पाना आसान काम नहीं है। अगर यहीं पर ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो सारी की सारी जो आपकी ऑडियंस है वो यहीं पर चढ़ जाएगी, इसलिए दोस्तों पहले एग्जाम भी आपकी कंडक्ट करवाई जा सकती है। इसलिए आपको एग्जाम की तैयारी भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, फिजिकल की तैयारी भी आपको साथ के साथ में कंटिन्यू रखनी है। बाकी दोस्तों, अगर शुरुआत होती है पहले फिजिकल की तो दोस्तों एसएससी जीडी से पहले फिजिकल आपका 1% भी नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। और एग्जाम की बात आती है तो मेरे दोस्त, अगर सबसे पहले आपका एग्जाम होता है तो आपके लिए मेरे दोस्त सितंबर का लास्ट वीक ये मान करके चलेगा कि 100% कंफर्म रहने वाला है, सितंबर के लास्ट वीक तक आपको इस भर्ती की एग्जाम देखने को मिल सकती है। जबकि दोस्तों अभी तक ऑफिशियली साइड पर इसको लेकर के कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों हो सकता है ये बदलाव आपको इस बार देखने को मिल सकता है। बाकी कोई और अपडेट मिलेगा तो तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे दोस्त आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।